हेलो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, मैं अभी एक्सीडेंट मेरा हो गया था सन 2015 में। मैं अभी तक झेल रहा हूँ भाई। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं मेरा, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए भाई, क्योंकि मैं परेशान रहता हूँ। इस वजह से मैं वीडियो बहुत अच्छी अच्छी नहीं डाल पाता हूँ। मेरा सपोर्ट करेंगे, मैं सही हो जाऊँगा तो वीडियो ज़रूर डालूँगा, अच्छी अच्छी वीडियो डालूँगा, हर लोकेशन का वीडियो डालूँगा। और आप लोग का सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। देख सकते हैं, बैठा हूँ पैर को फैला कर, और पैर फोल्ड हो जाता है लेकिन अभी दर्द करता है। इस वजह से थोड़ा दिक्कत है दोस्तों, और आप लोग सपोर्ट कीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। और मैं दोस्तों, हम लोग क्या मैं बता सकूं आपको, बहुत 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 ही ज़िंदगी कष्टदायक है। 6 साल 7 साल से झेल रहा हूं, और मैं अपोलो हॉस्पिटल अपना इलाज कराता हूं, जाऊंगा अपोलो हॉस्पिटल तो आप लोग को मैं दिखाऊंगा। 8 तारीख को निकलना है। और दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसको लेकर चिंतित रहता हूँ और अपना इलाज कराता हूँ दोस्तों। और आप लोग सपोर्ट कीजिए, और कुछ नहीं, बस ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को जितना से जितना आप लोग देखिए, और आप लोग स्किप मत कीजिए मेरे वीडियो को। आप देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, क्या मेरे वीडियो में क्या रीज़न है, क्यों नहीं वीडियो बना पाता हूँ। और आप लोग देख सकते हैं, देखे होंगे, मैं अगला वीडियो में भी बहुत पूरा फुल वीडियो बनाया था अपने पैर को लेकर, अपने पैर भी उसमें दिखाया था, और पैर को दिखाता हूँ। और दर्द कर रहा है इस समय दर्द कर रहा है, इस वजह से नहीं दिखा पा रहा हूँ। आप लोगों को दिखाऊंगा, पैर को भी दिखाऊंगा, जब सही सोच रहा हूँ सही हो जाऊंगा तो दिखाऊँ तो अच्छा रहेगा आप लोगों को दोस्तों। सही हो जाऊंगा तो मेरा भी मनोबल हाई हो जाएगा, मेरा भी मनोबल डाउन नहीं होगा। मैं भी इस वजह से दोस्तों, मैं ज़्यादा दिन से झेल रहा हूँ। कोई भी अगर दोस्तों झेलेगा ज़्यादा दिन से तो उसका मनोबल भी गिर जाता है, हमेशा निगेटिव सोचने लगता है। मैं भी वैसे ही एक इंसान हूँ, लेकिन अपने तरह से भगवान ने कोशिश करता हूँ, भगवान ज़रूर मुझे सही करेगा, जितना जल्दी से जल्दी सही करे मुझे। और दोस्तों, मैं सही हो भी जाऊंगा इस बार, उम्मीद है। इस वजह से कि मैं पहले एम्स हॉस्पिटल लखनऊ में दिखाता था, और लखनऊ में क्या है कि सरकारी हॉस्पिटल है एम्स, एम्स आप लोग जानते होंगे, सरकारी हॉस्पिटल। उसमें ऑपरेशन कराना बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत दौड़ना पड़ता था, तो ऑपरेशन के लिए डॉक्टर बहुत 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 लंबा लंबा समय मिलता है। एम्स में सीरियस केस अगर लेकर जाएंगे तो समझ लीजिए कि वो बहुत नामुमकिन है कि वो सही हो जाए। इस वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल में भाई पैसे लगते हैं, अब उसमें पैसे बहुत कम लगते हैं, फीस तो माफ़ है, फीस तो 1 रुपये नहीं लगता है। और बाहरी इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट डॉक्टर ने लिखता है वही बस इंस्ट्रूमेंट का ही अरेंज करना पड़ता है, और सब सब चीज़ फ्री है। लेकिन उसमें ऑपरेशन के लिए बहुत लंबा लंबा समय मिलता है। इस वजह से मैं अपोलो हॉस्पिटल में दिखाया हूँ। अपोलो हॉस्पिटल में तो रिस्पांस सही मिला है लखनऊ में, और धीरे धीरे सही हो रहा है। घाव तो पूरा सूख गया है, लेकिन एक और है वो भी सूख जाएगा, लेकिन पता ना क्यों दर्द बहुत काफ़ी कर रहा है। तो उसी वजह से मैं 8 तारीख को निकलूँगा दिखाने के लिए डॉक्टर को, और लाल हो गया है दोस्तों, लाल होकर दर्द कर रहा है। इस वजह से बहुत थोड़ा दिक्कत है दोस्तों, ठीक है। आप लोग को मैं बहुत, जब लखनऊ निकलूँगा तो लखनऊ का लोकेशन वीडियो में दिखाऊंगा आप लोग को, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।